हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रवनीत कौर है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है हिमांशी खुराना को लेकर ही है, क्योंकि आप सबको अगर नहीं पता होगा, मैं तो पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हिमांशी खुराना ने 28 सितंबर के बाद और 14 अक्टूबर 2019 से पहले जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया और आप बिग बॉस में जा रही है, तब उसने एक दो बार मना कर दिया। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर अपने एक पोस्ट डाली, ब्लैक एंड वाइट कलर में वो थी, जहाँ पर वो टाइप कर रखा था, एक वो मैसेज बड़े बड़े टाइप करती है, वो सबको पता है, इतने वैसे पढ़े नहीं जाते, लेकिन इतना पूरे पंजाब को पता है कि उस लड़की ने उस दिन ये बोला था कि मैं इज्जत की रोटी खाती हूँ और मैं बिग बॉस में नहीं जाऊँगी। तब भी हमने यही बात बोली थी, हमने फ्रेंड्स में बैठे बैठे, फैमिली में बैठे बैठे यही सोचा था, मतलब क्या है यार इस लड़की का कि जो बिग बॉस में गए हैं वो इज्जत की रोटी नहीं खाते। अब उसके बाद देखो यार, ये तुम पंजाब की लड़की हो, नो तुम पंजाब की नहीं हो सकती, 10 दिन के बाद ही तुम वही बिग बॉस में आ गई हो। और जब तुम्हें ये पता चला कि बाहर ये बातें हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फ़ोन वहाँ अलाउड है, या उसकी मैनेजमेंट टीम को की तरफ से ही ये स्टेटस अपडेट किया गया है इंस्टाग्राम पे कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने ये बात बोली थी, मैं इज्जत की रोटी खाती हूँ या बिग बॉस में नहीं जाती। मैम, अगर आप सही हो तो आपने इंस्टाग्राम से वो पोस्ट क्यों डिलीट की है? आपको वो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। आप सोचते हैं कि आपने वहाँ से डिलीट कर दी, उसके बाद वो डेली पोस्ट चैनल ने और दैनिक सवेरा ने आपके स्क्रीनशॉट तक दिखाए थे। आई होप उनके चैनल में वो स्क्रीनशॉट आपके रहे होंगे, जहाँ पर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है। और आप हमेशा क्या बोलती रहती हो कि मैं सना को माफ़ करने वाली थी, मैं उस सना की शक्ल नहीं देखना चाहती। यार वो वहाँ पहले थी, इसलिए आपको दोबारा अप्रोच किया गया होगा। अगर आप इतनी ही हैं, आप इतनी ही उससे नफरत करती है, तो वहाँ पर आप क्या लेने गई हो? अगर आप कहती हो कि आप इतनी फेमस हो, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो आप नेक्स्ट सीज़न की वेट कर लेती, इस बार ही क्यों आपको जाना था? और वहाँ पर पहले दिन आप कह रही हैं कि आप इंगेज्ड हो। पहली बात तो आप इंगेज नहीं हो, आपने 8 मंथ पहले भी आपने लाइव होकर बोला था कि आप 8 से 9 साल से सॉरी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। मैम, रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंगेज हो। और आप कैसी इंगेज हो जिस बंदे को आप इंट्रोड्यूस तक नहीं कर रही हो, ठीक है। और दूसरे दिन ही आपके हाव भाव बदल जाते हैं कि आप आसिम के साथ आसिम के साथ ही चिपकी रहती है हमेशा, क्योंकि आपके पास बिग बॉस में रहने का कोई और टॉपिक तो है ही नहीं, सिर्फ आप कंट्रोवर्सी की बात करना चाहती थी। और जब आपने एंट्री ली वहाँ पर, तब भी आपने ये बोला आप पंजाब की दूसरी साइड दिखाने आई हैं। ऐसा नहीं है कि जब लोगों ने बातें बना ली थी कि सोना की गलती थी, वो डर गई, नहीं, हमें सारी कंट्रोवर्सी पता है। आपने उस टाइम हमारे पंजाब में सना को बहुत बदनाम कर दिया था मैम, आपने, आपकी वजह से, क्योंकि सना बिल्कुल न्यू थी, उसको लोगों ने गलत समझा। उसने क्या बोला था कि उसको आई लाइक इट सॉन्ग नहीं पसंद है। अरे यार, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, ऐसे तो आप अपने फैन के साथ भी लड़ने लग जाओगी, नहीं यार आप मेरा सॉन्ग पसंद करो, ऐसे कैसे नहीं पसंद है आपको। उसने अपना एक व्यू दिया था, ठीक है। अब उसका सॉन्ग अगर आपको नहीं पसंद है, आप ऐसे बोल देती तो वो कभी नहीं बोलती, वो तो उसकी अच्छी किस्मत है, उसकी अच्छी वॉइस है, वो ऑटो ट्यून यूज़ नहीं करती मैम आपकी तरह। हमने उसको बिग बॉस में गाते हुए भी सुना है, लाइव कनाडा में शो हुआ है उसका अगस्त सितंबर के करीब, उसकी लाइव भी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और भगवान की कृपा से उसका फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट सिंगल ट्रैक बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, वहम सॉन्ग, जो कि 27 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अब नया सॉन्ग उसका रिलीज भी है, जल्दी से रिलीज होने वाला है, आई होप उसको भी सारे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो मैम, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि आपको बिग बॉस में रहना है, तो आपको कुछ अलग दिखाना होगा। सना के पीछे मत पड़िए, जो आप कर रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन आपका कोई स्टैंड तो नहीं है, वो हमें सबको पता है। सना को टारगेट करना आप बंद कीजिए, सना के जैसा गुड हार्ट ना आपका है ना हो सकता है, ठीक है। सो अगर उसके कोई एक दो फैन, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, एक दो फैन है या मैनेजमेंट टीम है उसकी, हमने सुना है कि उसकी मैनेजमेंट टीम काफ़ी सारी आईडीज बनाकर हमें कमेंट करती है सबको, जब हम सना को फॉलो करते हैं या सना को हम प्यार देते हैं। तो मैम, अगर आपकी टीम कर रही है तो हमें भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सना के फ़ैन थे, रहेंगे। और मैं सना को बहुत ज़्यादा सॉरी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। हुआ क्या था उस टाइम, जब ये कंट्रोवर्सी हुई भी थी, सना ने जब ये व्यू दिया, उसके बाद हिमांशी खुराना ने सबसे पहले सना के फादर के बारे में गलत बोला था कि तेरे फादर ने तुझे जन्म देकर फेंक दिया। यार अगर तुम उसके फादर के बारे में बोलोगी तो अपने मम्मी पापा के बारे में भी सुनना होगा, मतलब अगर आप बोलना जानती है तो सुनना भी होगा। मैम, आप सिर्फ एक को ब्लेम क्यों कर रही है?
आप वहां पर करने क्या गई हुई है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया मेरा भाई स्कूल नहीं जाता था। मैम आपका भाई तो फिर छोटा है, शहनाज का भाई कम से कम 25 साल से ऊपर तो उसकी एज होगी, उसको तो लोगों ने टिकने नहीं दिया होगा कि तेरी बहन ऐसी है, तेरी बहन के बारे में हिमांशी ने ये बोला। तो मैम अगर आपने, अगर आपको ये बात बोली गई है तो आपने भी बोली है, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। फिर भी मैं उस लड़की को अप्रिशिएट करती हूँ, उस लड़की ने उस टाइम कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाया। अगर उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो होती, जब सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे पूरे पंजाब के कि हाँ भाई यही लड़की गलत है, तो उसकी जगह कोई लड़की होती वो सुसाइड कर लेती। लेकिन नहीं, उस लड़की ने मेहनत की, 4-5 मंथ उसने सीखा, फिर वो सामने आई और अपना सिंगिंग में उसने पहला कदम रखा, और जो कि सारे उसको अब अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई होप सना बिग बॉस 13 की विनर बनेगी बनेगी।